बुरहानपुर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में करीब 4 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी नारायण पाटिल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक के रिटायर्ड राजेंद्र कुमार पांडे की मिलीभगत से पैसे निकालने का काम चल रहा था, जिसके बाद अब प्रकाश महाजन के खाते में भी करीब 26,50,000 रुपये सीधे अकाउंट से ट्रांसफर किए गए थे, जिसे गिरफ्तार कर 15 लाख रुपये नगद जब्त किए हैं। वहीं फरार आरोपी राजेश साबकारे पर 5,000 का नाम घोषित किया गया, जो कि 2 करोड़ का गबन का आरोपी है। बता दें कि बुरहानपुर जिले के बहुचर्चित आदिम जाति कल्याण विभाग के घोटाले में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है। राजेश सावकारी के ऊपर